पुलिस अधीक्षक जालौन के द्वारा नागरिकता संशोधन अधिनियम के संबंध में जनपद जालौन में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उप जिला अधिकारी एवं क्षेत्राधिकारी जालौन तथा कोतवाली जालौन पुलिस फोर्स के साथ कस्बा जालौन में पैदल गश्त कर आम जनमानस से वार्ता कर नागरिकता संशोधन अधिनियम के संबंध में जानकारी दी गई तथा अफवाह और भ्रम फैलाने वाली खबरों पर ध्यान न दिए जाने के लिए जागरूक भी किया गया। जालौन नगर में आपने भ्रमण किया, इसका उद्देश्य क्या था और संदेश क्या? ये जन यहाँ पे कस्बे की कानून व्यवस्था देखने के लिए SDM साहब और CO साहब एवं पुलिस बल के साथ कस्बे में भ्रमण किया गया एवं विभिन्न मुद्दों को लेकर डिस्कशन किया गया। इसमें जो एक मुद्दा अहम मुद्दा है वर्तमान में है वो CNRC को लेकर है, तो उसमें सभी लोगों से मिलकर हम लोगों ने रास्ते में मिलते हुए लोगों से ही बात की और सभी को बताया कि जो CNRC है उसको लेकर किसी भी तरह की भ्रम की स्थिति में ना रहें, उससे किसी भी व्यक्ति की नागरिकता नहीं जाने वाली है जो कि वैध रूप से यहाँ पर रह रहा है, जो कि वैध हमारे देश का निवासी है, और इसके अतिरिक्त इसमें नागरिकता मिल ही रही है उन लोगों को जो कि कुछ देशों से आए हुए हैं और यहाँ पर बिना नागरिकता के रह रहे हैं, उनको नागरिकता इसमें दी जानी है, ना कि इससे किसी की नागरिकता छीनी जानी है। तो इसमें लेकर किसी भ्रम की स्थिति में ना रहें, इसमें किसी भी धर्म और समुदाय को टारगेट नहीं किया जा रहा है, ये कानून सबके लिए बराबर है और देश हित में है, तो ये मैसेज सबको यहाँ पर दिया जा रहा है और आपके माध्यम से भी ये मैसेज सभी लोगों को पहुँचे। ये आज से माह रमज़ान शुरू हो गया, ऐसे में आप लोगों से क्या अपील करेंगे? रमज़ान के समय भी हम लोग पूरी तरह से सतर्क हैं और 30 दिन तक लगातार रोज़े और फिर उसके बाद ईद होगी, तो लोगों के अंदर हर्ष का माहौल है, तो उसको लेकर भी लोगों से वार्ता की गई और लगातार हम लोग संपर्क में भी हैं और हमारी जनपद की पुलिस और सभी प्रशासन पूर्ण रूप से त्योहारों में सभी के साथ है और हम ये सभी त्यौहार सबके साथ मनाते हैं। इस त्यौहार को भी हम सकुशल अच्छे से सभी के साथ मनाएंगे और सकुशल संपन्न कराएंगे।